तो बिजनेस वेबसाइट बनानी है और इतना बजट नहीं है, मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ आप कैसे एक फ्री वेबसाइट बना सकते हो, वो भी अपने आप। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको क्यों चाहिए एक बिजनेस वेबसाइट, किन लोगों के लिए ये वेबसाइट अप्रोप्रिएट रहेगी, किन के लिए ये ठीक नहीं रहेगी, क्या स्टेप्स होते हैं वेबसाइट बनाने के, और फाइनली ट्यूटोरियल जिसमें मैं दिखाऊंगी आपको कि आप कैसे फ्री में वेबसाइट बना सकते हो। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट आप बहुत ही जल्दी अपनी वेबसाइट खुद से बना पाओ। कोई कंफ्यूजन हो ना, इसको बार बार प्ले करके देख लेना, खास करके ट्यूटोरियल पार्ट, और साथ साथ में बनाते जाना। तो आपको क्यों चाहिए एक बिजनेस वेबसाइट? सबसे पहले तो आपकी जितनी भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मतलब आप क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हो, कौन हो, क्या करते हो, या कोई भी और अवार्ड्स, सर्टिफिकेशंस, टेस्टिमोनियल्स, जो भी आप कस्टमर्स को दिखाना चाहते हो ना, वो सब हो जाएगा एक ही जगह पे। दूसरा, थोड़ा इससे प्रोफेशनल फील आती है जब आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक दे देते हो। एंड थर्ड, जिन लोगों को आप डायरेक्टली रीच नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे गूगल से पहुँचने की पोटेंशियल बन जाती है, खास करके अगर आप अपनी वेबसाइट को रेगुलरली अपडेट करते रहो या किसी सोशल मीडिया से कनेक्ट कर लो। बट ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स ना जब शुरू करते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, और अच्छा आइडिया भी नहीं है एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा हर चीज़ पे लगाना। इनिशियली अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पे, प्रोडक्ट को बनाने में, टेस्ट करने पे, उस जगह पे एक तो पैसा जाना चाहिए, एंड दूसरा डेफिनेटली आपका सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहिए। अगर आपके पास कस्टमर्स आएंगे ही नहीं तो रेवेन्यू शुरू कहाँ से होगा? तो ये दोनों एरियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स, वो इनिशियली स्किप किया जा सकता है एक फ्री वर्जन लेकर। तो आपको फ्री वर्जन के लिए जाना चाहिए अगर आपको एक बेसिक बिजनेस वेबसाइट चाहिए, मतलब थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन हो, दो तीन टाइप के प्रोडक्ट्स हों। देखो, पेमेंट का भी हम इंतजाम करेंगे, आई विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल वेबसाइट नहीं चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर फ्री वर्जन। सेकेंडली, अगर आपको ब्लॉग स्टाइल वेबसाइट चाहिए, मतलब जहाँ पे आपको अपने ब्लॉग्स अपडेट करने हैं टू रीच योर क्लाइंट्स, कस्टमर्स और ऑडियंस इन जनरल, तो उस केस में भी आपके लिए फ्री वर्जन परफेक्टली काम करेगा। एंड थर्ड विल बी, अगर आप सिर्फ सीखना चाहते हो वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, क्या करते हैं, उस केस में भी यू कैन गो फॉर अ फ्री वर्जन। अब अगर आपका बजट अलाउ करता है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर पेड वर्जन ऑल्सो। लेकिन आई वुड टेल यू, इनिशियली ना उसकी जरूरत नहीं होती। नोबडी केयर्स आपका डोमेन नेम क्या है या फिर आपकी किस टाइप की वेबसाइट है, दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप वहाँ पर खुद को प्रूव कर पा रहे हो, तो उस केस में अगर आप फ्री वर्जन के लिए भी जा रहे हो तो ज़्यादा टेंशन मत लो, आप कल को पेड वर्जन पे स्विच कर सकते हो इजीली, दैट इज नॉट एन इश्यू। अब किन लोगों को फ्री वेबसाइट के लिए नहीं जाना चाहिए? तो ये जो फ्री वर्जन होता है दैट इज वेरी गुड फॉर स्टैटिक वेबसाइट, बट जहाँ पर भी आपको डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करनी है, जैसे कि आपका कोई ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस हो गया, या आपको अपने कस्टमर्स को साइन अप करवाने की फैसिलिटी देनी है, या फिर आप कोई कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उन केसेस में ना आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ प्रॉपर पेड वर्जन ओनली। लेकिन अगर आपको फुल ब्लॉन ई कॉमर्स नहीं चाहिए और आपके कुछ प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर फ्री वर्जन ऑल्सो। अब फ्री की वेबसाइट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो देखो, किसी भी वेबसाइट में दो चीज़ें आपको चाहिए, एक होस्ट और एक डोमेन। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है? एसेंशियली क्या होता है, जैसे अगर मान लो आप कोई दुकान बना रहे हो, तो आपको एक लैंड चाहिए जहाँ पे आप उस दुकान को बना सको, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप वेबसाइट को रख सको। तो होस्टिंग सर्विसेज बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है, अगर आपको फ्री की होस्टिंग सर्विस मिल जाएगी तो आप फ्री की वेबसाइट भी बना सकते हो। दूसरा होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? आपकी वेबसाइट का एड्रेस। जैसे अगर आपको YouTube पे जाना है तो यू कैन टाइप www.youtube.com, या अगर आपको Instagram पे जाना है तो यू कैन टाइप www.instagram.com। तो ये दोनों ही डोमेन नेम्स है। उसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम चूज कर सकते हो। अब अगर तो आप पेड वर्जन के लिए जा रहे हो तो आप डायरेक्टली .com टाइप का डोमेन नेम ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट का नाम आपको चाहिए इंटीरियर डिजाइनर्स, अगर वो अवेलेबल है तो आप www.interiordesigner.com तभी ले सकते हो अगर आप पेड सर्विस ले रहे हो। लेकिन फ्री सर्विस में क्या होता है कि जितने भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको फ्री के
डोमेन्स भी ऑफर कर रहे हैं ना, ये अपना एक नाम और अटैच कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूँ, वो आपको इस टाइप का डोमेन दे सकता है www.interiordesigner.wordpress.com. सो बेसिकली एक एक्स्ट्रा नाम और जुड़ जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो, आपको इवेंचुअली लिंक ही शेयर करना है. एंड अगर आप अच्छे से SEO करोगे ना, तो आपकी ये वाली वेबसाइट भी रैंक कर सकती है, खास करके जो मेन डोमेन नेम है उस पर तो डेफिनेटली रैंक कर सकती है. तो पहला स्टेप तो हो गया हमारा होस्ट और डोमेन चूज करना. उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, वेबसाइट को डिजाइन करना. तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको HTML, जावा, CSS ये सब सीखने की भी ज़रूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप वे में आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस की मदद से. अगर आपको फ्री होस्टिंग और डोमेन सर्विसेज चाहिए, तो आप उसके लिए इनमें से कोई भी होस्ट चूज कर सकते हो. एंड हम इनमें से एक चूज करके आज वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं. तो मैं आपको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल दिखाती हूँ, लेकिन उसके पहले रिमेंबर ट्यूटोरियल में भी दो ही स्टेप्स होंगे. पहला बाइंग नहीं, फ्री का ले रहे हैं, तो होस्ट और डोमेन फाइनलाइज करना. और दूसरा स्टेप वेबसाइट को डिज़ाइन करना. तो हम यूज़ करेंगे प्रो फ्री होस्ट, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है. सिर्फ रजिस्टर करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा, जहाँ आपको ईमेल आईडी डालनी है. फिर आपको ईमेल पे ऐसा फॉर्म मिलेगा जहाँ से आपको कन्फर्म करना है. क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो डायरेक्टली लॉगिन हो रहा है. अब इस केस में ना हमें एक क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, विच इज़ बेसिकली आपको नया वेबसाइट क्रिएट करना है यहाँ पे. तो क्लिक ऑन दिस, तो अब आप यहाँ से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो. तो जैसे मैंने आपको बोला था, आपका सिर्फ वेबसाइट का नाम नहीं आएगा, उसके साथ एक और चीज़ जुड़ेगी. डायरेक्टली .com नहीं आएगा फ्री वर्जन में, लेकिन अगर आप पेड डोमेन लेना चाहते हो, आपके पास वो ऑप्शन भी है कि आप डायरेक्टली अपना www.something.com वाला डोमेन ले लो, दैट विल बी पेड. बट वी विल गो फॉर फ्री वन हेयर. लेट्स टेक isairo.com. सो हम इंटीरियर डिज़ाइन की वेबसाइट बनाते हैं, intdesign.isairo.com. वेरिफिकेशन करने के बाद अब आपको मिल जाएगा आपका नया डोमेन नेम. तो ये आपका एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है. आप 3 अकाउंट्स तक क्रिएट कर सकते हो. सो लेट्स मैनेज दिस. सो द अकाउंट इज अंडर प्रोसेस. जैसे ही अकाउंट रेडी हो जाएगा, हम रिफ्रेश करके आगे की प्रोसेस करेंगे. सो मैंने रिफ्रेश कर दिया है पेज, लगभग 2 ही मिनट लगे. अब आपको जाना है सीधा कंट्रोल पैनल पे. आपका जब कंट्रोल पैनल खुलेगा, उसमें कुछ इस तरीके की फाइल्स होंगी. सॉफ्टवेयर में जाकर आप एप्स इंस्टॉलर पे क्लिक कर सकते हो. इसमें आपको वर्डप्रेस दिख जाएगा, जहाँ पे हम वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे वो वर्डप्रेस ही है. सो यू कैन इंस्टॉल. अब यहाँ पे जाके आपको एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही चीज़ें एंटर करनी होगी. सो जो भी आपको नाम चाहिए आप लिख सकते हो. एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल. सो इंस्टॉलेशन इज डन सक्सेसफुली. ये आपकी साइट का एड्रेस है, तो आप इसको खोल के चेक भी कर सकते हो. और हमें जो साइट एडिट करनी है, वो इस URL से करनी है. आपने जो अभी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है, वो वर्डप्रेस के लॉगिन में काम आएगा. तो इस लिंक पे जाकर अब हम वेबसाइट डिज़ाइन की बात करेंगे, विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल. अब आपका कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, जहाँ पे हमें डिज़ाइनिंग करनी है. तो ये आपका वर्डप्रेस का वो वाला पेज है, जहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो सारी चीज़ें. अब हम समझ लेते हैं क्या क्या है. पोस्ट, जैसे अगर आपको नई ब्लॉग पोस्ट ऐड करनी है. मीडिया, अगर आपको अपनी लाइब्रेरी में देखना है क्या क्या मीडिया है, या फिर कुछ नया मीडिया ऐड करना है. वेबसाइट में जो अलग अलग पेजेस होते हैं, आप उन पेजेस को चेक भी कर सकते हो, नया पेज भी ऐड कर सकते हो. तो ये सारी फीचर्स हम थोड़ी देर में यूज़ करेंगे. फिर हम जाएंगे अपीयरेंस पे, कि आपकी वेबसाइट ओवरऑल दिखती कैसी है. तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, हम थीम्स का यूज़ करेंगे और उसमें एडिट करेंगे टू गिव इट अ डिफरेंट लुक. बेसिकली अपने हिसाब से उसको एडिट कर लेंगे. उसके अलावा आपको कुछ प्लगइन्स चाहिए हो, तो आप प्लगइन्स भी ऐड कर सकते हो अलग अलग फीचर्स के लिए. देन आपकी सेटिंग्स और ये सब चीज़ें हैं. सो अभी हम अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाते हैं, शुरुआत के लिए, कि हमारी वेबसाइट का बेसिक लुक कैसा होना चाहिए.
तो आप इनमें से कोई भी थीम चूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई नया थीम भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एस्ट्रा सर्च करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप चाहो तो कोई भी और थीम भी ले सकते हो, यहाँ पे यू जस्ट गेट सम मोर एंड बेटर ऑप्शंस। तो हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल है अबाउट स्टार्टर टेम्पलेट्स, अगर आपको देखना देख सकते हो, वरना डायरेक्टली बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पे जा सकते हो। अब इसमें आप किसी भी टाइप का पेज बिल्डर चूज़ कर सकते हो, इसमें एक एक करके आप ब्लॉक एडिट कर सकते हो। एलिमेंटर थोड़ा ईजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का, ये थोड़ा इंटरमीडिएट यूज़र्स के लिए हो जाता है, बिगिनर्स के लिए नहीं। तो अगर आप बिगिनर हो आप डायरेक्टली एलिमेंटर यूज़ कर सकते हो। अब आप देख लो जितने भी टाइप के थीम्स आपको जो पसंद आ रहा है, आपको किस टाइप का चाहिए। और ज़रूरी नहीं आपको स्टार्टर टेम्पलेट ऐसे स्क्रॉल करके ही ढूंढना है, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। जैसे अगर हम इंटीरियर वाली वेबसाइट बना रहे हैं तो इंटीरियर टाइप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला लेकर भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। सेम प्रोसेस करेंगे, स्किप एंड कंटिन्यू, एंड लास्ट में वी विल गेट दिस डिज़ाइन ऑन आवर वेबसाइट। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि आपको ये डिज़ाइन सही लग रहा है, तो कंटिन्यू एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। तो यहाँ पे थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं, उसके बाद हमें डायरेक्टली सिर्फ वेबसाइट एडिट करनी होगी, फाइनल डिज़ाइनिंग, मतलब आपको क्या कंटेंट चाहिए। तो प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, अब हम वेबसाइट देखते हैं कैसी दिखती है। तो हमने जो प्लगइन सेलेक्ट किया था वो एज इट इज़, दिस इज़ आवर वेबसाइट। अब आप इस वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो लेट्स सी हम कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक कर दो। अब ये मेन्यू और ये जो लोगो, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आप चेंज करना चाहो। साइड बार आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, फुटर में आपको नीचे क्या ऑप्शंस चाहिए, हम फिलहाल इसको एज इट इज़ रहने देंगे। बट कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हो ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो और यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको कोई कलर्स या विजिट्स ऐड करने हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। सो आप ये सारे ऑप्शंस अच्छे से एक्सप्लोर करके आपको ऊपर नीचे जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। आप चाहो तो लोगो हटा भी सकते हो कम्प्लीटली, ठीक है। प्राइमरी मेन्यू भी चाहो तो हटा सकते हो, बट इसको हम रखेंगे। सिमिलरली आप लोगो चेंज भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। तो ये सब हम छोड़कर एडिट करते हैं अपने पेजेस को। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक किया है ताकि आपके लिए ईजी रहे, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट एडिट भी कर सकते हो। तो आपको जो भी चाहिए, आप सीधा जैसे कि आपको हेडिंग चाहिए यहाँ पे, तो आप ड्रैग करके उस चीज़ को वहाँ ला सकते हो, जो भी जहाँ चाहिए। देखो यहाँ हेडिंग आ गई, ठीक है। इसमें जो भी सेटिंग चाहिए ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। हेडिंग स्टाइल में जाएंगे, टेक्स्ट कलर, व्हाटएवर कलर यू वांट, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी कलर चाहिए, जैसे भी चाहिए, जो भी लिखना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। फिर अगर आपको इमेज चेंज करनी है तो आप इसकी जगह कोई और इमेज भी ले सकते हो। तो ये कुछ इमेजेस ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी में हैं और हम कुछ और इमेजेस अपलोड कर रहे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, एंड उनमें से आपको जो मन करे आप वो सिलेक्ट कर लो एंड अपलोड कर दो। तो आई विल सिलेक्ट दिस इमेज एंड इंसर्ट। तो ये इमेज आ जाएगी यहाँ पर। इस बटन में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपको क्या चाहिए, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। क्योंकि हमने नाम इंट डिज़ाइन रखा है, हम यहाँ पे इंट डिज़ाइन लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी यहाँ पे एड्रेस आप चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ करना है तो। सो एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, यहाँ पे टेक्स्ट, ये इमेज, एवरी डिटेल कैन बी चेंज्ड। और आप चाहो तो नया कॉलम भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ भी आप नया ऐड कर सकते हो। एलिमेंट्स कोई भी नए ऐड कर सकते हो, एलिमेंटर से कोई भी एलिमेंट्स एडिट कर सकते हो, सारे के सारे आप देख सकते हो। कि टेस्टिमोनियल्स ऐड करना है, प्रोग्रेस बार, आपको बस बहुत सारे ऑप्शन है अपनी वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने के लिए। बस दो चीज़ें और, आपको अपने मेन वेबसाइट पे जब भी कोई पेज ऐड या डिलीट करना हो तो आप अपने मेन पेज पे जाओगे, फिर से पेजेस पे क्लिक करोगे और यहाँ जाकर ना आप देख सकते हो ये सारे आपके एलिमेंटो वाले पेजेस हैं। तो आपको जो भी एडिट करना है एडिट कर सकते हो, डिलीट करना है ट्रैश पे क्लिक कर सकते हो, एडिट विद एलिमेंटो करना है वैसे भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से
चेंजेस और ये सब चीज़ें कर सकते हो। नया पेज ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, विच विल मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट अपडेटेड रहे। सेम चीज़ आप पोस्ट्स के लिए भी कर सकते हो, आपको सारी पोस्ट देखनी है, डिलीट करनी है, जो भी करना है यू कैन डू इट। और जब आप डैशबोर्ड पर जाओगे, अगर आपको मेन्यू में बाद में फ्यूचर में चेंजेस करने हैं, कुछ और करना है, तो आप कस्टमाइजर डायरेक्टली खोल सकते हो टू मेक एनी चेंजेस। बस ध्यान रखना जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसके बाद आप पब्लिश कर दो। सो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। सो आई होप इस डेमो से आप अपनी एक बेसिक वेबसाइट बना पाए होंगे। अब अगर आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू ही पेमेंट भी कलेक्ट करनी है तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे पेमेंट गेटवे ऑप्शंस एंड आप किस तरीके से अपनी फ्री वेबसाइट के अंदर उनको इंटीग्रेट कर सकते हो। नाउ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है मेक श्योर टू कॉमेंट बिलो। क्वेरीज नहीं भी है तो भी कॉमेंट करके यार प्लीज़ फीडबैक देते रहा करो।